वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बीप स्पेशल कोरमा की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए हमने 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। हमने डालडा का कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हम इसमें ये 1/2 किलो गोश्त है, ये 500 ग्राम, ये 500 ग्राम जितना गोश्त है ये हड्डी के साथ हमने लिया है, हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हम कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये भून चुकेगा फिर इसमें हम 1/2 लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मसाले डालेंगे और दही शामिल कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इसमें हम मसाले शामिल करेंगे, फिर बाद में हम इसमें दही शामिल करेंगे, आखिर में इसमें हम तली हुई प्याज शामिल करेंगे चूरा करके। अब इसे हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे। ये गोश्त अच्छी तरह भून चुका है और गोश्त में पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम ये गेंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ये शेप वालों का गेंजर गार्लिक का पेस्ट है, जिसे अभी हम खोलेंगे। देखिए बिल्कुल पैक है, हम ये इसमें यूज़ करेंगे। इसमें 2 स्पून हम गेंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने 2 स्पून गेंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे। गोश्त को 1/2 लहसुन के पास पेस्ट के साथ भूनते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये 2 लज्जत के कोरमे के पैकेट शामिल करेंगे। ये 2 लज्जत के कोरमे के पैकेट शामिल करेंगे इसमें। हम इसमें ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 2 लज्जत के कोरमे के पैकेट शामिल करें, गरम मसाला शामिल करेंगे और देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे। वन स्पून ये ज़ीरा है पिसा हुआ, घर का भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। वन एंड हाफ स्पून ये लाल मिर्च शामिल करें इसमें। इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हमने 1 एंड हाफ स्पून हमने इसमें देगी लाल मिर्च शामिल कर दी। अब इसे हम 5 से 10 मिनट मसालों के साथ भूनेंगे। इसमें 1/2 स्पून इसमें हम घर का बिना हुआ पिसा हुआ गर्म मसाला भी शामिल करेंगे। अब गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं, इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई। अब इसमें हम 1/2 स्पून घर का भुना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये 1/2 स्पून घर का भुना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करें और ये 200 ग्राम दही है, ये हम फेंटे वगैरह शामिल कर रहे हैं, फेंटे वगैरह शामिल करेंगे ताकि ये कोरमा जो है दानेदार बनेगा। अगर हम इसे फेंट लेंगे तो कोरमा दानेदार नहीं बनेगा। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह, फिर इसे 5 से 10 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। जब गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें फ्राई की हुई प्याज चॉप करके शामिल कर देंगे। इसे हम 5 से 10 मिनट भूनेंगे। कोरमे को मसालों के साथ भूनते हुए गोश्त को मसालों के साथ भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हमने 2 इसमें कोरमे के पैकेट शामिल किए थे लज्जत के, उसमें सॉल्ट होता है इसलिए हम इसमें 1/2 स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, फिर हम चेक करेंगे मज़े ज़रूरत है या नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग जो टेस्ट शामिल करते हैं। हम इसमें ये 1/2 स्पून सॉल्ट शामिल करें, आप अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट मज़ीद भूनेंगे और 2 गिलास पानी डाल के इसे गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को मसाले के साथ भूनते हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, ये बछिया का गोश्त है, थोड़ा टाइम लेता है गलने में, 20 मिनट लगेंगे इसको गलने में। अब इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करके कवर कर देंगे, 1 गिलास। और
और ये 2 गिलास, 2 गिलास पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये बचा हुआ गोश्त है थोड़ा देर में गलता है, इसको गलने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। हम 20 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। जब ये गोश्त गल जाएगा फिर हम इसमें फ्राई की हुई प्याज कश करके डालेंगे, ताकि हमारे ये जो कोरमा है, मसाले वाला जो स्पेशल कोरमा है, ये देगी। अब इसे हमने कवर कर दिया है, ये 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। गोश्त को गलते हुए पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम ये आलू शामिल करेंगे। ये 1/2 किलो आलू है, 500 ग्राम। अब इसमें हम ये 500 ग्राम आलू शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। हमने इसे स्पेशल कोरमा इसलिए कहा था कि ये आलू और गोश्त का स्पेशल कोरमा है। अब ये जब हम इसे हम 15 मिनट के लिए मज़ीद कवर करेंगे, फिर जब ये आलू गल जाएंगे फिर इसमें हम फ्राई की हुई प्याज शामिल कर देंगे। अब ये गोश्त और आलूओं को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इससे हम कवर हटाएंगे। इसमें हम फ्राई की हुई प्याज है, जिसे 2 से 3 प्याज भी फ्राई है, हमने ये तैयार प्याज है, इसे हमने चॉप कर लिया। ये हम इसमें 2 से 3 फ्राई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हम सिर्फ 5 से 10 मिनट सिर्फ इसे हम सिर्फ धीमी आंच पे पकाएंगे, फिर इसे हम डिश आउट कर देंगे। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब इसे हमने 10 मिनट के लिए कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद इसे हम डिश आउट कर देंगे। ये आलू गोश्त का स्पेशल कोरमा तैयार है। अब इसे हम डिश में निकाल देंगे। गोश्त भी गल गया, आलू भी गल गए। अब इसे हम डिश में निकाल देंगे। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे, फिर इसे डिश में निकाल देंगे। हमारे व्यूवर्स, ये आलू गोश्त का स्पेशल कोरमा तैयार है। इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।